तो दोस्तों मुझे फाइनली रिप्लेसमेंट वाला पैकेट रिसीव हो गया है। जी हाँ, मैंने रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाल दी थी। जो मैंने रेड टेप के लेदर शूज को मंगाया था वो डिफेक्टिव पीस आ गए थे। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ये सही निकले और मुझे वापस नहीं करने पड़े। दोस्तों इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करते हैं रेड टेप कंपनी के लेदर शूज की। दोस्तों ये रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है। मैंने पहले रेड टेप कंपनी के शूज को मंगाया था और उसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, लेकिन वो डिफेक्टिव पीस निकल गए थे, इस वजह से मैंने रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाल दी थी। तो फाइनली आज मुझे ये रिसीव हो गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो आप लोगों के सामने मैं दोबारा से इसको अनबॉक्स करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब कोई भी डिफेक्ट इनमें ना निकले। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें से फ्रेश प्रोडक्ट बाहर निकले। तो कहाँ गया मेरा कटर? ये आ गया है कटर। सील को करते हैं जल्दी से ब्रेक। ये यहाँ पर मैंने कट लगाया एक, ओके हिल गया, कोई बात नहीं। और एक मैंने यहाँ पर कट लगाया और एक मैं सेंटर में कट लगाता हूँ उसको ओपन करने के लिए। ओके, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइनली ये ओपन हो चुका है। और फाइनली दोस्तों वही एक बार फिर से रिपीट हो गया है। पहले मैंने ये जो पीछे लगा हुआ था तब उसको अनबॉक्स किया था, तब ये उल्टा खुल गया था। और दोस्तों वही अब की बार भी हुआ है, ये अब की बार सामने है और ये फिर से उल्टा खुल गया है। अब क्या बताऊँ मैं इस बारे में आपसे, क्या ही बोलूँ, ना बोलूँ तो ज़्यादा ठीक है। चलिए इसको मैं फाइनली जो उल्टा हो गया उसको मैं सीधा कर ही लूँगा बाहर निकाल कर। इसको मैंने निकाला बाहर दोस्तों, ठीक है, ये आ गया दोस्तों बाहर। इसको साइड में रखते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। ये बिल है, इसको साइड में रखते हैं। बिल को मैं देख लेता हूँ एक बार को, जी हाँ मेरा ही नाम लिखा हुआ है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। ये है कंपनी की ब्रांडिंग, रेड टेप लिखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं ये सील ब्रेक है पहले से ही। और ये आप लोग देख सकते हैं कितनी बेकार पैकिंग है दोस्तों। आप लोग देखिएगा दोस्तों ये पहले से ही, और अब की बार इसमें राइट साइड में देख सकते हैं आप लोग, ये राइट साइड में कट लगा हुआ है। ये राइट वाला है, वो लेफ्ट वाला था, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इनकी दोबारा से रिप्लेसमेंट के लिए फिर डालूंगा मैं इनको, कोई बात नहीं, ये आपने बहुत गलत किया है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर भी ये कट लगा हुआ है, बिल्कुल माइनर सा है, लेकिन मैं इसको फिर से रिप्लेस करूंगा, ठीक है दोस्तों। और इनकी पैकिंग मुझे बहुत बेकार मिली है, ये पहले से ही सील ब्रेक थी इसकी, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड में और दूसरा देखते हैं। साइड में क्या रखते हैं, इतनी रखेंगे आपके सामने। और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये किसी और ने रिप्लेस किए होंगे, उसका ये प्रोडक्ट आया है। और इसमें तो दोनों में ही है, इसमें भी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। और ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ आया है जी, नहीं ये कोई फ्रेश पीस नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसकी है मैं फिर से रिप्लेसमेंट डालूंगा, ये कोई फ्रेश पीस नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड में, और क्या निकलता है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और भी कई सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन ये फ्रेश पीस नहीं है, मुझे यूज़ प्रोडक्ट दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं ये मुड़ा हुआ है, और ये आप लोग देखिएगा, ये नो वे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा फ्लिपकार्ट वालों, ये गंदा है, मैं पहले से समझ गया हूँ। चलिए इसकी फिर से डालते हैं रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट। बहुत घटिया, बहुत बाइयात प्रोडक्ट निकला दोस्तों, मैंने ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। चलिए इनकी दोबारा से डाल दें रिप्लेसमेंट। अगर आप रिप्लेसमेंट, एक्सचेंज या फिर रिफंड की प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक छोटा सा सपोर्ट और करिए आप लोग मुझे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ये हो कि लोगों को पता चले कि भाई फ्लिपकार्ट वाले कैसा कर रहे हैं अभी। और मुझे कमेंट में आप ये भी बताइए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ।